कौमी असेंबली के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, जिसमें इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की गई। इलेक्शन के हवाले से राजा रियाज का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात वस्त फरवरी में देख रहा हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ के लिए बुलाया, जिस पर कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन कराने की तजावीज़ दें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आरओ अदलिया से लेने की तजावीज़ दें हैं, इस पर अमल हुआ तो ज़्यादा शफाफ नतीजे सामने आएंगे। राजा रियाज का कहना है कि सदर ने दबाव के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा, जिसमें इलेक्शन की तारीख मुकर्ररा नहीं बल्कि राय का इजहार किया गया। कौमी असेंबली में साबिक अपोजिशन लीडर का कहना था, मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवाई है। आइंदा आम इंतखाबात वस्त फरवरी में देख रहा हूँ। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ो नागा ये अभी फैसला नहीं किया,